हेलो दोस्तों, जान है तो जहान है। आपका स्वागत है आयुर्वेद एकेडमी द्वारा शुरू किए गए कोरोना वायरस के वीडियो सीरीज में। यह हमारा इसी सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक जानकारी देंगे फेस मास्क के यूज पर या फेस मास्क के इस्तेमाल पे। जैसे और वीडियो में उसी तरह इस वीडियो में भी पहले हम सारी अपने रिसर्च की जानकारी इंग्लिश में देंगे और फिर उसे ही सरल और आसान भाषा में हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हाँ, एक बात और, हमने इस सीरीज के और जो पहले बनाए हुए वीडियोस हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंग्लिश में कि मुझे कोरोना वायरस से अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए, यानी कि शुड आई वेयर अ मास्क टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। दोस्तों, WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ओनली वेयर अ मास्क इफ यू आर इल विद COVID-19 और यू हैव सिम्टम्स ऑफ COVID-19, स्पेशली व्हेन यू आर कफिंग और स्नीजिंग। यू शुड ऑल्सो पुट ऑन मास्क व्हेन यू आर लुकिंग आफ्टर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम COVID-19 और व्हेन यू आर गोइंग आउट where you are going to get contact with other people. The most important point which everyone should keep in mind is that disposable face mask can only be used once. If you are not ill or you are not looking after someone who is ill with COVID-19 and you are staying at home and then using mask, then you are wasting a mask because there is a worldwide shortage of the mask. So people should use mask wisely. There is also advice for rational use of medical masks to avoid unnecessary wastage of previous. There is also advice for rational use of medical masks to avoid unnecessary wastage of precious resources and misuse of face and medical masks. The most effective way to protect yourself and other against COVID-19 are to frequently clean your hands, cover your face and mouth with bend of elbow when you cough, or use tissue paper to cover your mouth and face when you sneeze and cough. Maintain a distance of at least 1 meter or 3 feet from other people, and particularly from those people who are coughing or sneezing. तो दोस्तों, चलिए अब हम इस जानकारी को हिंदी में सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम COVID-19 से इन्फेक्टेड हैं या हमें COVID-19 के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और खास करके खांसते और छींकते समय। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जो COVID-19 या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या पीड़ित है तो हमें फेस मास्क पहनना चाहिए। साथ ही हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो क्वारंटाइन में, यानी कि जिसपे शक है कि कोरोना वायरस हुआ है और अलग रखा गया है, तो भी हमें फेस मास्क का उपयोग या प्रयोग करना चाहिए। हमें एक खास बात ये समझनी चाहिए कि डिस्पोजेबल फेस मास्क केवल एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है, आप उसे बार बार नहीं ला सकते, फिर उसका कोई फायदा नहीं। यदि आप COVID-19 से बीमार नहीं हैं और यदि आप किसी COVID-19 से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आपको फेस मास्क का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके तब जब आप घर के भीतर रह रहे हैं। किंतु यदि आप घर से बाहर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और आपको संक्रमण की संभावना है तो आपको फेस मास्क का प्रयोग करना चाहिए या फिर अपना नाक और मुँह कपड़े से ढका रखना चाहिए। हमें फेस मास्क का उपयोग बड़ी बुद्धिमानी से करना चाहिए। हम यदि फेस मास्क और मेडिकल मास्क का दुरुपयोग करते हैं या उसे दुरुपयोग से नहीं बचाते हैं तो हम इस कीमती संसाधन की कमी से ज़रूरतमंद लोगों को मास्क उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। अतः हमें इसका सदुपयोग या कम से कम प्रयोग करना चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों को मास्क उपलब्ध हो पाए, डॉक्टरों को मास्क उपलब्ध हो पाए, ताकि वो COVID-19 से जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको उनकी सेवा करने में, उनके उपचार करने में मदद मिल सके। COVID-19 के खिलाफ खुद को और दूसरों को बचाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि आप अपने हाथों को अक्सर यानी बार बार पानी और साबुन से साफ करें और धोएं। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को अपनी कोहनी को मोड़कर कवर करें यानी कि ढकें। साथ ही खांसने या छींकने वाले व्यक्ति या फिर आपस में भी एक दूसरे से कम 1 मीटर या 3 फीट की दूरी बनाए रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको फेस मास्क के प्रयोग या इस्तेमाल की जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा इस सीरीज का वीडियो लगातार मिलता रहे। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ औरों को भी मिल सके। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट हमें लिखकर भेजें, अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम उसकी सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अफवाहों से बचिए, स्वस्थ रहिए और एक बार फिर जान है तो जहान है।